ध्यान से सुनिए। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़िया घर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़िया घर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए।